तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ से, है ना पीयू जी? गुड मॉर्निंग बच्चों, हाय इरा, हाय पीयू, हाय इरू। अरे उठ गया रैबिट, उठ गया। नो, तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 और चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। आ रहे पीयू, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। तो सुबह का मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। ए नो, गले तो मिल दो। नहीं दीदी। वेलकम बैक गाइस, तो अभी आपने देखा, मैंने दिखाया बच्चे लोग खेल रहे थे, दोनों बच्चे ही उठ गए हैं और मैं अभी नहा के आ गई हूँ शार लेके और फटाफट से रेडी हो रहे हैं। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर घूमने के लिए जहाँ भी जाते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने ये वाला टॉप एंड जीन्स पहनी है। वर्मा जी बगल वाले रूम पे हैं, मम्मी वाले रूम पे। पानी की, गर्म पानी की बॉटल कहाँ है? यहाँ पे रखी है। दे दो मुझे एकदम वाटर। और पीयू ने अपनी ये नहीं रखी कैप, मेरा चार्जर छोड़ दिए थे आप, मैंने इसमें रखा था। चार्जर तो हमारा भी लगा हुआ है, अभी चेकआउट नहीं कर रहे। तो बैग सामान तो भर रहे हो ना? सामान भर रहे हैं। चलिए पीयू जी, चल उतरती है, उतरती है स्लिप होके। इरा हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, पराठे रावत ढाबा, पराठे खाने के लिए। ये कैसा लग रहा है? ऐसा सेम टू सेम मम्मी के पास में है। ब्लैक है ना? नहीं वाइट है। ब्लैक है, मम्मी पहनी है, वाइट भी है। तो मैं ये अपने लिए देख रही थी मम्मी के पास। तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट करने का। पीयू रुको बेटा, उधर नहीं जाना, उधर बाइक आ रही है। तो वर्मा जी बिल पे कर रहे हैं और बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पे रोप वे चलता है उधर चलते हैं। रोप वे जा रहे हैं पैदल पैदल, है ना पीयू जी? एकदम साफ मौसम है, एकदम ब्लू देख सकते हैं आप। सुबह कल बहुत ठंडी थी, ये आ गए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं गन हिल। हाँ गन हिल, अच्छा अच्छा। रोप वे में बैठना है, ये देखो यहाँ से टिकट लेंगे। आओ, चार बड़े एक छोटा, 3,000-4,000 बराबर है। तो साथ में ये बच्चे हैं, पांच जने हैं। कोई चलिए, हाँ इधर ही खड़ी रही। तो
हमारे होटल से बहुत ही पास में था, मतलब 50 मीटर की रेंज में ये गन हिल पॉइंट है जहाँ पे हम लोग रोपवे से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ऊपर जाकर के कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं एंड शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ, अभी आज आप लोग के साथ फिर से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गंडोला राइड है वो आ चुका है, चलिए बैठते हैं इसमें। और बैठ करके बहुत अच्छा लगता है नीचे का व्यू देखने में। तो कुछ फ़ोटोज़ रील वगैरह भी बनाए हैं, वो सब मैंने अपलोड करा है इंस्टा पे, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं। चलो पीयू लगाओ बेटा, वो ऑफिस वाले ऐसे करते हैं। चल दिए हम लोग ऊपर की ओर, अभी ऊपर दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, वहां जाना है हमें। उधर बैठ जाओ ना, ऊपर से कोई आने वाला ही नहीं है अभी वहां। एक जाता होगा एक आता होगा। ओ तेरी भाई देखो कहां ऊपर ही चले जा रही है, मुझको डर लग रहा है। तुम मैं आ रहा हूं। ओ गेट खुलने वाला है, पहुंच गई पीहू ऊपर, आ गई। चलो बेटू इसको पकड़ लेना, ईरा को आप ले लीजिए। अब अंदर चलेंगे, आइए इधर से निकलना है ना। डरने की क्या बात है, दादू हैं नीचे देख के। पीहू नीचे उतरो, चलो आ जाइए। आई मैंने गेम खेली, सारे गिलास गिराओ, 20 कैश मिले, 50 का गेम है, वहां से घूमेंगे। उधर गेम खेलो, टीवी का नाम है जैसे आप नहीं कर सकते, 50 हीरो कहां आया है। अच्छी है क्या मैच चालू मैच करने का पर आज से नफा हुआ जी। ये बैक मसाज, फुट मसाज, फुट को बॉक्स मैच, वैसे वैसे ही सही है। क्या क्या देख रही है पीयू? चश्मा लेंगे। पीयू क्या ले रही है? हां ये देखो, ये कौन सा कलर है बोलो? ग्रीन। ओके, इसको हमने पेपर में रोल किया, अब हम 1 2 3 बोलते हैं, ये रेड हो गया। ये कौन सा कलर है? येलो फ्लावर हम इसके अंदर डालते हैं, येलो से ग्रीन। ये वाला गेम 120 का है। देखो देखो आराम से देखो, आप भी वीडियो बाद में बना लेना, पहले देखो, नहीं तो आपका फोकस वीडियो। ठीक है चलेगा। इसमें 150 के 3 चांस मिलते हैं, मिल के आप खेल सकते हैं, 3 में 2-3 जीत सकते हैं। इन केस नहीं जीते, मिलता कुछ नहीं है, लास्ट टाइम हमने खेला था। नहीं अगर नहीं निकला तो एक अपनी पसंद का फिर भी आप खाली नहीं देखते। अच्छा फिर भी ले लेंगे अपनी पसंद का। कितने का है ये गेम? 150 के 3 चांस। 150 में। तो यहाँ ऊपर आने के बाद ना बहुत सारे गेम्स एक्टिविटी वगैरह भी होती है, तो मैंने भी यहाँ पे कई गेम खेले, पीहू ने भी खेले, हम लोगों ने गन शॉट भी लगाया। तो यहाँ पे देखिए एक गेम था जो कि आप ऐसे करके एक एंगल आता है और आपको एक कोई उसमें से ना जो भी आप चाहें वो आप पिक कर सकते हैं टॉय वगैरह। तो मैंने पिक किया था तो मुझे तो मिल गया था टैडी, वरना मुझे लग रहा था कि शायद उसमें पिक नहीं हो पाता है, बट लास्ट वाला जो था वो मैंने टैडी जो है वो पिक कर लिया था। वर्मा जी वो वीडियो ही नहीं बना पाए, वो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद यहाँ पे ना ये लोग बलून जो है वो गन शॉट लगा रहे थे, तो पीहू को सिखा रहे थे, वो सब किया। उसके बाद मैंने भी एक गन शॉट लगाया था। मैंने
मैंने भी एक बलून को निशाना लगाया था और जिसमें लगाया था वो बिल्कुल ठीक फूट गया था, मतलब उसमें निशाना लग गया था। इसके बीच में ये इसको ये मिला, ये गेम खेला हमने, गिफ्ट मिला। मजे आ गए। कान पकड़ ले इसके, इनको छोड़ो, अभी मत दबाना, पकड़ ले कान इसके। अब पीछे देख के हंसो, पीछे देख के हंसो। मेरे घर में भी ये वाली बंदूक थी जो बनी चाहिए, उससे क्या करते थे, बंदरों को भगाते थे। तो गाइस अभी मैंने ना गेम खेला था, उस गेम में ये मिला मुझे टैडी पीयू के लिए। ये लेना है पीयू को या ये ईरा को लेना है? ईरा को लेना है, ईरा खुश हो गई थी इसे देख करके। चलो पीयू के पास तो बहुत टैडी हैं, ईरा लेगी है। परसों एक सरदार जी लेगा 2000 रुपये। अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं फोटो क्लिक कराने के लिए। हैं इरु इरु गुड़िया रानी पहनेगी बनेगी। चलो चलते हैं। अच्छी अच्छी ड्रेस निकाली है भैया। बेटी है, बेटी, दो बेटियों को पहनाना है। एक फोटो लेंगे दोनों का और एक सिंगल लेंगे। यहाँ पे ईरा तैयार हो रही है। ईरा नहीं है ना, ठंडा नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, धूप है यहाँ पे। तो देखो ईरा, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अरे वाह ईरा, हाँ खुश हो गई। इधर पीहू जी तैयार हो रही हैं। ओ इसके ऊपर ही पहना, हाँ हाँ इसके ऊपर ही पहना जाता है। पहनो पहनो पीहू, ये देखो रू। हाँ मैं पकड़ी हूँ। मेरा भी है। अरे वाह, हाँ गुड़िया इधर आओ। पहले दिखा दीजिए अंकल जी, दिखाओ। अरे कोई बात नहीं। चलो है, अभी वापस चलेंगे हम लोग वापस। तो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, गेम्स खेले और निशाने भी लगाए, मतलब गन शॉट लगाया। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाया बच्चों का। अब हम लोग का यहाँ से नीचे जाने का टाइम आ चुका है, तो चलो नीचे चलते हैं। आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल के वीडियो में भी मुझे कॉमेंट आया था कि जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ गए थे उनकी यादें ताज़ा हो गई हैं वीडियोज़ देख करके। तो हाँ ऐसा होता है जब आप उस
जगह पे होकर के आ जाओ और वही देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। सो अच्छा लगता है मेमोरीज़ कलेक्ट करना। तो मेरी तो मेमोरी जो है वो इसी तरह मैं इनको कलेक्ट कर रही हूँ। फ्यूचर में कभी भी जब कभी हम देखना चाहें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू हो रहा है, ऊपर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो नीचे चलते हैं। तो बहुत सारा एंजॉय करने के बाद अब हम मसूरी से यहाँ निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, आपको नेक्स्ट व्लॉग जो देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। फिर से आपके साथ ये मॉल रोड का वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, मार्केट देखने में, आप कुछ खरीदें ना खरीदें लेकिन विंडो शॉपिंग करने में तो बड़ा मज़ा आता है। रात में लाइटिंग के साथ तो देखने में भी और अच्छा लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था यहाँ से निकलते टाइम और लोग आ भी रहे थे, लोग जा भी रहे थे। तो इस तरह से करके हमारा जो ये सफ़र है यहीं पर मसूरी का ख़त्म होता है। चलो अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। मैं मिलूंगी आपको कल एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करना आगे और अच्छे अच्छे अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलती हूँ कल, बाय बाय एंड टेक केयर। हम लोग रुके हैं यहाँ पे ये शकरकंद खाने के लिए। तो यहाँ पे ये गरम गरम शकरकंद जो है ऐसे उबाल रहे हैं और यहाँ पे शकरकंद बन रही है। ईरा सो रही थी, अभी ईरा उठ गई है। हाँ क्या पापा? पापा ये देखो गरम गरम शकरकंद, शकरकंद खान खाओ पियो। मुझको नहीं पसंद। चटना चला, चटनी चला गया, नहीं खाएगी अब।